देखिए जी, हमारी बैटिंग कैपेबल है कि हम एक लंबा टोटल करें और बड़ा स्कोर करें। हमारा एक एक सिर्फ मैटर ऑफ एक इनिंग है। मैं समझता हूँ कि जिसकी एक इनिंग लग गई बड़ी और उसके साथ कुछ छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन हुई, तो हम ये टोटल और अचीव करके ट्रेल और उसके ऊपर भी रन दे सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन हमने बैटिंग करनी है, तो कोशिश यही है कि हम जितना अच्छा खेल सकें। और पिच के हवाले से मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ऑड बॉल होता है और नया बॉल थोड़ा सा हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर्स को। उसके बाद आप अगर बॉल थोड़ा पुराना हो जाए तो एक आध बॉल होता है जो कि हर तरह की क्रिकेट में और हर जगह दुनिया में होता है, और उसके अलावा तो ये बॉल बिल्कुल ठीक आ रहा है, थोड़ा बाउंस अच्छा हो रहा है इस पिच पे। बस ऑलराउंडर हूँ तो मेरा जो रोल्स थे मैंने कोशिश की कि उसको फिलअप करूँ। और ड्रॉप कैचेस के हवाले से देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में कैचेस भी ड्रॉप होते हैं और कैचेस अच्छे कैचेस भी होते हैं, तो ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है। तो इससे हम आप क्या कर सकते हैं, सीख ही सकते हैं। और प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन, और जिस टाइम पे मोमेंटम बना हुआ था वो 3 आउट थे उनके, 80 for 3 थे, देन वो एज लगा कैच हुआ, वो नो बॉल होगी, उसके बाद कैचेस पे ड्रॉप होना शुरू। मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट वही था वो, जो नो बॉल पे आउट हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी कैचेस मेरे ख्याल से ड्रॉप हुए हैं। और बॉलर्स ने बहुत एफर्ट किया है, मेरे जो फास्ट बॉलर्स हैं, और ये जो कैच ड्रॉप थे वो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें कॉस्ट किया काफ़ी।